अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। इसमें जो है जीन्स काम करेंगे, जीन्स के बेसिस पे इंडक्शन होगा, यानी फाइनल रिजल्ट हमको जीन के बेसिस पे ही देखने को मिलेगा। इसमें क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में ट्रांसप्लांटेशन किया था टिश्यू का फ्रॉम एक स्पीसीज टू अनदर, यानी कि एक स्पीसीज से टिश्यू लेके दूसरे में डाल दिया और दूसरे से टिश्यू लेके पहले में डाल दिया, ऐसा कुछ किया। और जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसके पीछे जीन्स ही इन्वॉल्व है। तो नाम से ही हमें काम का पता चल गया, तो अब समझने में और आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ, ठीक है। ये पहला एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, डोनर, डोनर कौन है यहाँ पे, हमने फ्रॉग लिया है, फ्रॉग का भी क्या गैस्ट्रुला स्टेज यानी गैस्ट्रुलेशन स्टेज लिया है, वहां से हमने कुछ सेल्स लिए हैं और उसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म या दो स्पीसीज इन्वॉल्व है, फ्रॉग एंड न्यूट, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप, दिस इज न्यूट, राइट। अपियरेंस में थोड़ा लीजर जैसा होता है बट ऑब्वियसली दे बिलोंग्स फ्रॉम एम्फीबियन कैटेगरी एंड दिस इज फ्रॉग, फ्रॉग तो सबने देखा है, न्यूट कुछ ऐसा है। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें फ्रॉग एंड न्यूट को लिया गया है, ओके। फ्रॉग से क्या किया गया, पहले ये पहला एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉग से क्या किया गया, फ्रॉग की गैस्ट्रुला स्टेज से हमने वो टिश्यू लिया जो कि ओरल एक्टोडर्म था, ओरल एक्टोडर्म यानी माउथ वाला पार्ट बनाता, नेचर में वो एक्टोडर्म था और फंक्शन में वो क्या करता, माउथ वाला पार्ट बनाता, किसका माउथ पार्ट बनाता, फ्रॉग का माउथ पार्ट बनाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है इस ओरल एक्टोडर्म को कहां ट्रांसप्लांट कर दिया, न्यूट के गैस्ट्रुला में, वो भी कहां पे, जहां पे न्यूट का माउथ बनना चाहिए था, उस एरिया में हमने न्यूट का भी गैस्ट्रुला स्टेज लिया, फ्रॉग का भी गैस्ट्रुला स्टेज लिया। फ्रॉग से हमने क्या किया, उन टिश्यू को ट्रांसप्लांट करके न्यूट में ट्रांसप्लांट कर दिया जो कि माउथ एरिया बनाते हैं, यानी कि जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है उसके पास फ्रॉग के माउथ बनाने का इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम जहां पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं वहां पे न्यूट के माउथ बनाने का इंफॉर्मेशन है। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, देखिए पूरा बॉडी तो न्यूट का मिल गया लेकिन इसके पास जो माउथ का पार्ट था वो फ्रॉग के आ गया, यानी जो सकर्स थे जो कि आप यहां पे देख सकते हो वो सकर्स किसके आ गए, फ्रॉग टैडपोल के आ गए, और पूरी बॉडी किसकी है, न्यूट की है, ठीक है, पूरी बॉडी न्यूट की है और माउथ वाला पार्ट फ्रॉग का आ गया, फाइन। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब आगे देखते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेसिप्रोकल एक्सपेरिमेंट किया, यानी जो ऊपर किया था उसको उल्टा कर दिया। अब क्या किया गया, न्यूट का गैस्ट्रुला लिया गया एज अ डोनर, ये डोनर है, और होस्ट किसको लिया गया, जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको होस्ट कहते हैं। तो न्यूट के गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला स्टेज से जो ओरल टिश्यू थे, ओरल एक्टोडर्म था, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया फ्रॉग के गैस्ट्रुला के अंदर। तो रिजल्ट क्या आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये गैस्ट्रुला था वो फ्रॉग का था, तो पूरी बॉडी फ्रॉग की बन गई, लेकिन जो माउथ वाला पार्ट था वो किसका बन गया, वो बन गया न्यूट का। ऐसे क्रिएचर्स को हम अक्सर काइमेरिक मतलब कि स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम काइमेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं और ऐसे क्रिएचर्स को हम काइमेराज कहते हैं, जिसमें कि दो चीजों का मिक्सचर हमको देखने को मिलता है, राइट। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ, जहां पे हम डाल रहे हैं, जहां पे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वहां पे तो उसकी जैसा चीज बनना चाहिए था जहां पे इसको ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन ये जहां से आ रहा है ये वही का चीज क्यों बना रहा है, क्या लगता है आपको। जी, यहाँ पे सारा खेल जीन का आ रहा है, यानी कि अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रही हूँ और समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए क्या बोला है। द मेसेनकाइमल सेल, क्योंकि ये इंट्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन का ही है। द मेसेनकाइमल सेल इंस्ट्रक्ट द एक्टोडर्म टू मेक माउथ, यानी कि ये जो ट्रांसप्लांट किया गया है ना, इसके नीचे यहाँ पर मेसोडर्मल टिश्यूज है, यानी मेसेनकाइम है यहाँ दोनों जगह। तो जो मेसेनकाइमल टिश्यू या सेल्स हैं वो इंस्ट्रक्ट कर रही हैं किसको, एक्टोडर्म को, कि तुम माउथ बनाओ। कौन से एक्टोडर्म को, जो यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया है, और एक्टोडर्म क्या कर रहा है, एक्टोडर्म उस सिग्नल के लिए, उस इंडक्शन के लिए सक्सेसफुली रिस्पॉन्स भी दे रहा है, वो कह रहा है यस मैम मैं अभी माउथ बनाऊंगा,
बट बेचारे के साथ एक प्रॉब्लम हो जा रही है, वो वही माउथ बना रहा है जो उसे बनाना आता है, नो मैटर हाउ इनअप्रोप्रिएट। उसे क्या बनाना आता है, उसे वो बनाना आता है जो जीन वो अपने साथ लेकर आता है। तो मैसूराम ने इसको ऑर्डर तो दे दिया कि तुम माउथ बनाओ, एक्टोडर्म ने भी बोला यस सर मैं माउथ बना रहा हूं, और जैसे ही माउथ बनाना शुरू किया उसने वो माउथ बनाना शुरू किया जिसके लिए उसके पास जीन्स थे, और जीन्स कहां से थे, जहां से वो बिलोंग करता था। ठीक है, नहीं ये भी इंस्ट्रक्टिव का ही पार्ट हो जाएगा, यहां पे भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ना, तभी कर रहा है ये। यस, सो द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू दैट वॉज ऑलरेडी हैविंग इट्स ओन जीन। तो जब माउथ बनाने का इंस्ट्रक्शन जा रहा है तो उस टाइम पे माउथ तो बन रहा है लेकिन एक्चुअल में जीन्स कौन एक्टिवेट हो जा रही है, जो उसमें प्रेजेंट है, राइट right? तो वही बोला है, द मेसेनकाइमल सेल इंस्ट्रक्टेड द एक्टोडर्म टू मेक अ माउथ बट एक्टोडर्म रिस्पॉन्डेड बाय मेकिंग द ओनली काइंड ऑफ माउथ इट न्यू हाउ टू मेक नो मैटर हाउ इनअप्रोप्रिएट। देखिए ये वही कहानी हो गई, मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो मेरे पास जब छोटू सा था तब वो मेरे पास पढ़ने के लिए आया, राइट right? और मुझे बोला कि मैम आप मुझे आम बनाना सिखा दीजिए। मैंने उसको बोला ठीक है मैं बताती हूँ। मैंने उसको बोला कि आम जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं, दिस इज मैंगो, राइट। वो स्टूडेंट भी खुश कि हाँ भाई मैंने मैंगो बनाना सीख लिया। आगे वो स्कूल में गया, स्कूल में उसके टीचर ने उसको बोला कि चलो आज सभी को मैंगो बनाना है। स्टूडेंट बहुत खुश है कि मैंगो बनाना है, यानी कि स्टूडेंट टीचर के द्वारा जो ऑर्डर गया, जो इंस्ट्रक्शन गया, क्या उस इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट ने माना? नहीं, बिल्कुल माना। टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको मैंगो बनाना है, उसने उस इंस्ट्रक्शन को माना कि हम मैंगो ही बनाएंगे। लेकिन जब ये मैंगो बना रहा है तो ये डायग्राम बना रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसके दिमाग में ये चीज भरी कि भाई मैंगो ऐसे दिखते हैं। तो जो इसने सीखा था, यहाँ पे तो सीखने की बात आ रही है, जो इसने सीखा इसने वही बनाया। इसने एक भी ऑर्डर को डिसओबे नहीं किया कि मैं ऑर्डर नहीं मानूंगा, नहीं, इसने सारे ऑर्डर माने लेकिन बनाया वही जो इसको बनाना सिखाया गया था। सेम केस यहां भी वही हो रहा है कि मेसेनकाइम ऑर्डर दे रहा है कि तुम माउथ बनाओ, और वो माउथ ही बना रहे हैं लेकिन वही बना रहे हैं जो उनको बनाना आता है, और क्या बनाना आता है, जिसके लिए उनके पास जीन है। तो जीन जो फ्रॉग से सेल हमने ट्रांसप्लांट किया तो उसके पास फ्रॉग का माउथ बनाने का जीन है, और जो न्यूट से ट्रांसप्लांट किया उसके पास न्यूट वाला माउथ बनाने का जीन है। इसीलिए ऑर्डर तो फॉलो किए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन तो फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन बनाया वही जा रहा है जो कि जीन वहां पे डिसाइड करती है। ग्रेप स्कैम हो गया ना बच्चे के साथ, क्या कर सकते। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, द मेसेनकाइम मे इंस्ट्रक्ट द एपिथेलियम एज टू व्हाट सेट ऑफ जीन टू एक्टिवेट, द रिस्पॉन्डिंग एपिथेलियम कैन कंप्लाई विद दीज इंस्ट्रक्शन ओनली सो फार एज इट्स जीनोम परमिट। दिस वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंडक्शन। ये इंटर स्पेसिफिक इंडक्शन का भी एग्जाम्पल बनता है क्योंकि हमने दो स्पीसीज लिए, एक है न्यूट की और एक है फ्रॉग की, ये इंटर स्पेसिफिक इंडक्शन का भी एग्जाम्पल बन जाता है। तो मेसेनकाइम जब इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक्टोडर्म को कि तुम माउथ बनाने वाली जीन एक्टिवेट कर दो, तो वो जीन भी वो एक्टिवेट कर दे रहा है, लेकिन उसके बाद जितना कुछ होना है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा जिसके अकॉर्डिंग उसके पास जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, जितना उसका जीनोम उसको परमिशन दे पाएगा, यानी जितना उसके पास जीन है वो उसी के अकॉर्डिंग ही एक्टिवेट करेगा। अब भाई जो जीन उसके पास है नहीं वो कहां से वो एक्टिवेट कर सकता है? अब अगर ये जो ओरल एक्टोडर्म है ये यहां भी रहता तो भी ये फ्रॉग का ही माउथ बनाता, ये यहाँ पर है तो भी ये फ्रॉग का ही माउथ बना रहा है, तो अपना फेट थोड़ी बदल रहा है, फेट तो डिसाइडर जो है वो वही कर रहा है, जीन के अकॉर्डिंग चल रहा है वो। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला दैट इज द इंस्ट्रक्शन सेंट बाय मेसेनकाइम टिश्यू कैन क्रॉस द स्पीसीज बैरियर। यानी जो इंस्ट्रक्शन मेसेनकाइम टिश्यू के द्वारा सेंड किया जाता है वो स्पीसीज बैरियर को क्रॉस कर सकता है। स्पीसीज बैरियर यानी ऐसा नहीं है सेम सेम स्पीसीज होगा तभी इंडक्शन होगा, डिफरेंट स्पीसीज में भी हो सकता है, इसे वो कहते हैं स्पीसीज बैरियर को क्रॉस करने में। तो सैलामेंडर रिस्पॉन्ड टू फ्रॉग इंड्यूसर, सैलामेंडर ने फ्रॉग के इंड्यूसर को रिस्पॉन्ड किया, एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एपिथेलियम हाउएवर इज स्पीसीज स्पेसिफिक, सो वेदर द ऑर्गन टाइप स्पेसिफिसिटी दैट इज फेदर और क्लॉज इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द मेसेनकाइम, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय रिस्पॉन्डिंग एपिथेलियम। यानी कि अगर एक ही स्पीसीज के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ऑर्गन बनाने की बात आ रही है
तो वहां पे सब कुछ मेसेनकाइम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब हम स्पीसीज स्पेसिफिसिटी को थोड़ा अलग कर दे रहे हैं और डिफरेंट स्पीसीज को लेके काम कर रहे हैं, तो वहां पे रिस्पॉन्डिंग एक्टोडर्म यानी एपिथीलियम मेन रोल प्ले करता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में मैक्सिमम जो चीज कंट्रोल हो रही थी वो एक्टोडर्म के द्वारा हो रही थी, और रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन में मैक्सिमम चीजें किसके द्वारा कंट्रोल हो रही थी, मेसेनकाइम के द्वारा। ये है फाइनल कंक्लूजन। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने फिलहाल में जो टॉपिक डील किया था वो है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंट्रैक्शन या जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, और जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें कि अगेन हमने बात की थी रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन या इंट्रैक्शन। तो इस तरीके से दो टाइप की जो इंट्रैक्शन थी जो कि एपिथेलियल मेसेनकाइमल रिलेटेड थे वो हमने डन कर लिया। अब आपके सामने मैंने CSIRNet 2022 का जो है क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद किसी भी एक स्टूडेंट का जिनका सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पार्शल। और अगर आप CSIRNet और गेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जो है वेलमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास चलती है स्पेशली फॉर CSIRNet, गेट, DVT, ICMR। पैकेजेस आपके सामने हैं, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ मेंशन है, लाइक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, PDFs, और सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाता है। सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 6 मंथ के फॉर्म में स्पेशली फॉर CSIRNet, जिसकी प्राइजेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है। ओनली रिकॉर्डेड क्लास लेना है तो इसका भी आपके पास जो ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपको 5999 में मिलेगा। CSIR, गेट, DVT तीनों अगर एक साथ प्रिपेयर करना है तो आपको 15999 में कोर्स मिल जाएगा, और सिर्फ गेट की तैयारी करनी है तो 3999 में मिल जाएगा। जबकि CSIR का 6 मंथ का कोर्स आपको 7999, और 12 मंथ का जो कोर्स है वो 12999 में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, जहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा।